8 नवंबर को चंदन क्यारी रविंद्र भवन में भारतीय जनता पार्टी और चंदन क्यारी विधायक के नेतृत्व में पांचों मंडल अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक आवश्यक बैठक की गई। चंदन क्यारी विधायक श्री अमर कुमार बावरी का कहना है कि पार्टी की मजबूती के लिए और साथ ही संगठन की मजबूती के लिए पंचायत स्तरीय विकास समिति का गठन किया जाएगा तथा चंदन क्यारी इलेक्ट्रो स्टील वेदांत कंपनी में यूनियन की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी और CSR फंड के द्वारा क्षेत्र का विकास किया जाएगा। कोरोना काल में कंपनी के द्वारा बैठाए गए मजदूरों को पुनः काम पर वापस लाने का काम किया जाएगा और साथ ही आए दिन कंपनी का अगर रवैया ठीक नहीं रहा तो जोरदार आंदोलन भी किया जाएगा। बैठक में उपस्थित जिला महामंत्री जयदेव राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। HPN न्यूज की खास रिपोर्ट। सर, आज का जो बैठक रखा गया, इसके बारे में क्या कहना? आज चंदन क्यारी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक चंदन क्यारी में रखी गई है। सबको मालूम है कि कोरोना संकट काल के कारण हम लोग काफ़ी लंबे समय से हम लोग बैठ नहीं पाए थे। अब जीवन को आगे बढ़ाना है कोरोना से ऊपर उठ करके। जो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और उम्मीद के साथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व दिया है, उस आशा और उम्मीद पर खड़े उतरने के लिए हम लोग सांगठनिक रूप से कैसे अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ाएं, इसको लेकर के आज बैठक रखी गई। जैसा कि मालूम है कि भाई ये सरकार ने ट्रेजरी को बंद करके पूरी विकास योजनाएं ठप करके रखी है, लेकिन बावजूद इसके आज लोगों की ज़रूरत जब जहां है वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़ा रहे उस ज़रूरत में, इस लिहाज से, इस कारण से आज हम लोगों ने बैठक रखी है। और जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो विकास से संबंधित गांव टोलों की संबंधित जो मुद्दे हैं, या फिर अपने वेदांता से, या फिर कोल ब्लॉक को लेकर के जो समस्याएं हैं समझ, या फिर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का जो आंदोलन है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकें, आप कैसे गति दे सकें, इस दृष्टिकोण से आज की बैठक रखी गई थी। सभी कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है और उस निर्णय के अनुसार आगे की जो भी रणनीति बनेगी, उस रणनीति के तहत हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए, जनता के हक और अधिकार के लिए हम कार्य करेंगे।